नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक एम्प्लॉयज न्यूज में। बैंकिंग, पेंशन और वेज रिविजन के रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में। जो फर्स्ट अपडेट है वो है RBI के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग जो बैंक क्रेडिट है और जो डिपॉजिट है वो दोनों ही ग्रो हुए हैं। बैंक क्रेडिट 12.2% ग्रो हुआ है और जो डिपॉजिट है वो 10.32% ग्रो हुए हैं। जो क्रेडिट है अब वो ग्रो होके 96.975 ट्रिलियन तक पहुँच गया है और डिपॉजिट्स ग्रो होके 126.746 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। और ये जो डाटा है ये जुलाई और ये जो डाटा है ये 5 जुलाई तक का अपडेटेड डाटा है। नेक्स्ट अपडेट है, ईडी ने कहा है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 200 करोड़ के जो एसेट्स हैं वो अटैच किए हैं और ये जो एसेट्स हैं ये कलकत्ता बेस्ड कंपनी के हैं और ये जो एसेट्स हैं इनको AML लॉ के अंडर अटैच किया गया है। और ये जो अटैचमेंट ऑर्डर ईडी की तरफ से दिया गया है ये उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि इस कंपनी ने मल्टी करोड़ रुपीस का पोंजी स्कैम किया था जिसमें कि उन्होंने वेरियस इन्वेस्टर्स से वेरियस स्टेट से जो पैसे थे वो कलेक्ट किए थे। नेक्स्ट अपडेट है, येस बैंक्स के शेयर्स में अगस्त से लेकर टोटल 78% ड्रॉप आया है जिससे कि इनके जो फाउंडर थे और जो फॉर्मर CEO थे राणा कपूर उन्हें ऑलमोस्ट 1 बिलियन करोड़ का नुकसान हो चुका है। बैंक ने अपनी लेटेस्ट जो वेडनेसडे को रिपोर्ट शो की है उसके अकॉर्डिंग बैंक का जो कैपिटल बफर है वो भी वीकन हो गया है और जो बैड रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इससे राणा कपूर का जो नेटवर्थ है वो $370 मिलियन रह गया था जो कि अगस्त में $1.4 बिलियन था। और ये जो सारी रिपोर्ट आई है ये ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अकॉर्डिंग आई है। नेक्स्ट अपडेट HDFC बैंक के बारे में है। HDFC बैंक ने टोटल 4 लाख करोड़ का जो मार्क है वो क्रॉस कर लिया है। HDFC के शेयर प्राइजेस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया है और HDFC ने BSE के शेयर्स पे 2.52% गेन किया है। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी बैंकिंग और फाइनेंस के रिलेटेड अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।